रामकरण के आने वाले एपिसोड में व्यूवर्स देखने वाले हैं कि अवनी किस तरह से अपनी जान पर खेल के गुरु माँ के रंग पहन में पहुंच तो जाती है, लेकिन कितनी मुश्किलों से वहां से निकल पाती है ये जानना वाकई दिलचस्प होगा। जैसा कि हाल ही की अपडेट में हमने आपको बताया था कि किस तरह से जूही अवनी को फोन करती है और अवनी को ये बताती है कि वो उनके दोस्त अली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती है, लेकिन जूही ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको दया ने ये सब करने के लिए कहा है। जब ये बात अली को पता चलती है तो वो काफी गुस्सा होता है, लेकिन अली को तो बंदी बना के रखा हुआ है तो वो कर भी क्या सकता है। तो अब ऐसे में अवनी जूही से मिलने के लिए गुरु माँ के रंग महल में पहुंच जाती है, लेकिन अवनी गुरु माँ के इस रंग महल में भेष बदल कर जाती है ताकि कोई उसे पहचान ना सके, और वो ये जानना चाहती है कि आखिर रंग महल में होता क्या है। अब जैसे ही अवनी गुरु माँ के रंग महल में एंटर करने वाली होती है तो वहीं पर गुरु माँ के गार्ड उसे रोक लेते हैं और उसे अंदर जाने से मना कर देते हैं। तभी अवनी उनसे ये कहती है कि वो नवरात्रि के लिए कुछ मिट्टी लेने आई है और कुछ इस तरह से उसे रंग महल में जाने की अनुमति मिल जाती है। जब गुरु माँ अवनी को अपने सामने देखती है तो गुरु माँ भी धोखा खा जाती है और वो भी अवनी को नहीं पहचान पाती। तो आने वाले एपिसोड में ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि जूही आखिर अवनी को क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी और किस तरह से अवनी जूही और अली को गुरु माँ के चुंबन से छुड़ाएंगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में, और टीवी जगत की तमाम ऐसी चटपटी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल टीवी प्राइम टाइम।